क्लास 11th स्टूडेंट, आई एक्सप्लेन यू फोटोग्राफ। ये पोएम को मैंने वो तो बताया था। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग ईच स्टेंजा ऑफ पोएम एंड इट्स एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट इन इंग्लिश देन इन हिंदी। लाइन, यू हैव टू रीड द लाइन फ्रॉम 1 to 4। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पेडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। इन दिस लाइन द पोएट डिस्क्राइब लुकिंग थ्रू अ फोटो एल्बम। इस लाइन में जो पोएट है वो फोटोग्राफ का एल्बम देख रहा है। द पेजेस ऑफ दिस सीम टू बी मेड ऑफ कार्डबोर्ड। जो वो देख रहा है वह कार्डबोर्ड का बना हुआ है। She is looking at one picture in particular. It was a picture of 3 girls, the tallest and oldest one in middle and 2 younger and shorter one of at each side of her. वह पिक्चर में देख रहा है कि उसमें एक थोड़ा सा बड़े उम्र की लेडी है और उसके आजू बाजू 2 और लड़कियां हैं। The girl in the middle is the poet's mother. जो उनके बीच में है वो पोएट की माँ है। एंड द पोएट स्पेक्यूलेट दैट हर मदर मस्ट हैव बीन अराउंड 12 years। और वो सोचता है कि उसकी मदर कम से कम 12 साल की होगी। व्हेन द पिक्चर वॉज टेकन, जब पिक्चर को लिया गया था। द अदर टू गर्ल्स आर द टू ऑफ हर मदर्स कजिन, और दो और दूसरी लड़कियाँ हैं वो उसकी मदर की कजिन यानी सिस्टर है। ईच ऑफ द कजिन होल्डिंग ऑन वन ऑफ द ओल्डेस्ट गर्ल हैंड फॉर सपोर्ट। एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हुए ऐसा बाहों को हाथ में लिए थी। द पिक्चर हैज बीन टेकन एट अ डे दैट द 3 girls हैड गॉन पैडलिंग एट द बीच। ये पिक्चर तब लिया गया था जब तीनों लड़कियां समुद्र के किनारे पैडलिंग कर रही थी, है ना। तो ये पैडलिंग का मीनिंग ये होता है कि समुद्र के किनारे नंगे पैर से चलना। नेक्स्ट स्टेंजा इज लाइन नंबर 5 to 9। ऑल द 3 stood still to smile through their head here at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appeared to have changed less, vast their terribly transient feet. Now, explanation. In this line, the poet further described the condition in which the photograph of the mother and her mother's cousin was taken. इस लाइन में पोएट किस कंडीशन में फोटो को लिया गया है इसको एक्सप्लेन करता है। द पोएट से दैट हर मदर्स अंकल हैड बीन द वन टू टेक द फोटोग्राफ, ही हैड आस्क द 3 girl टू पोज फॉर हिम एंड सो दे हैड। उसके अंकल ने इसकी फोटो लिया था और उसने बोला था कि तीनों पोज देते हुए खड़े हो जाओ। दे हैड लेफ्ट देयर वेट हेयर ओपन एंड देयर हेयर वॉज ऑब्जर्विंग पार्ट ऑफ देयर फेसेस। उनके जो बाल थे उनके चेहरे पर आ रहे थे। थ्रू द फिल्म ऑफ हेयर कवरिंग देयर माउथ वन कुड सी दैट दे वेयर स्माइलिंग इन टू कैमरा। हाउएवर वन फेस इन द पिक्चर ड्रा द पोएट अटेंशन टू ग्रेटर डिग्री देन द अदर टू। उनके फेस के ऊपर बाल आ रहे थे, वो स्माइल कर रहे थे, लेकिन एक पोएट को एक पिक्चर का पार्ट अपनी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा था। इट इज हर मदर फेस दैट शी इज कंसंट्रेटिंग ऑन एंड शी कमेंट दैट द फेस वॉज स्वीट वन। वो फेस उसकी मदर का था जो उसको आकर्षित कर रहा था। द पोएट आल्सो से दैट द फोटोग्राफ वॉज टेकन लॉन्ग बिफोर हर ओन बर्थ। वो फोटोग्राफ पोएट के जन्म के बहुत पहले ले लिया गया था। सिंस देन हर मदर फेस हैड द कोर्स चेंज सिंस द टाइम द फोटोग्राफ हैड बीन टेकन। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस द शी विच ले अलोंग द बीच वेयर द फोटोग्राफ वॉज टेकन हैड चेंज टू अ लेजर डिग्री दैट एवरी सी हैड बीन वॉशिंग द फीट ऑफ द पोएट्स मदर एंड द टू हर यंगर कजिन the day that the photograph had been taken। photograph
जब लिया गया था तो समुद्र का पानी आ रहा था और उसकी मदर और कजिन के पैरों के पानी के ऊपर पड़ रहा था। द पोएट कॉल्स दिस फिश टेरेबली ट्रांजिट। तो फोटोग्राफ ने उसके इस कॉन्स नाम को टेरेबली ट्रांजिट दिया, सिंस ऑल द गर्ल इन द फोटोग्राफ हैड स्टॉप्ड बीइंग सो यंग एंड हैड ग्रोन अप सिंस देन, द चाइल्डहुड हैजंट लास्टेड वेरी लॉन्ग। और यह तब का फोटो है जब वे चाइल्डहुड छोड़कर बड़े हो रहे थे। लाइन नंबर 10-13। सम 20-30 years लेटर मीन्स शी वुड लॉफ एट द स्नैपशॉट सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच द सी हॉलीडे। द मीनिंग ऑफ इन दिस लाइन, द पोएट स्टॉप लुकिंग एट द फोटोग्राफ एंड रिकॉल वॉट हर मदर यूज टू से अबाउट द फोटोग्राफ। अब लेखक या ऑथर की ये पोएट की दिमाग में मदर द्वारा कहे गए शब्दों को रिकॉल होता है। द पोएट इजंट श्योर वेदर इट वॉज 20 years आफ्टर द फोटोग्राफ वॉज टेकन और 30 years आफ्टर इट, बट द रिमेंबर हर मदर्स टेलिंग हर टू लुक एट हाउ द कजिन्स कॉल बेटी एंड डॉली लुक्ड एट द यंग एंड एट दैट यंग एज। उसकी मदर बताती थी कि उसकी जो मौसी है या उसकी सिस्टर है मदर की, बेटी और डॉली यंग एज में कैसी दिखती थी। द पोएट्स मदर ऑल्सो आस्क हर टू लुक एट हाउ देयर पेरेंट्स हैड ड्रेस्ड देम अप फॉर अ विजिट टू बीच, परहैप्स द प्लान टू टेक द फोटोग्राफ एंड बीन देयर ऑल एलोन। उन्होंने ये बताया था कि जब वे फोटोग्राफ लेने के लिए गए थे तो शायद क्या प्लान बनाया था और उन्होंने कैसे इसकी फोटो ली थी। तो बच्चों, इस पोइट्री के 1 से लेके 13 लाइन तक की आप अच्छे से स्टडी करेंगे, ये आपके पास लिखा हुआ है इसका मीनिंग, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, कठिन वर्ड आप लिखेंगे, समझेंगे। इसके लास्ट के 2 स्टेंजा नेक्स्ट क्लास में कराकर मैं एक बार पूरा एक्सप्लेन करूँगा और आपको क्वेश्चन बताता हूँ।